इशिका नमस्ते भैया। नमस्ते, ठीक हो? हाँ भैया। क्या बात, सामान तो काफी बिका हुआ है और पैसे गले में नहीं है। हाँ भैया, वो आपका ना लड़का आया था तो वो ना 5,000 लेके थे। अच्छा चलो कोई बात। पापा। हाँ। एक मेरे को 10,000 रुपए देना। क्या करेगा? मनाली जाना है मेरे को, टूर जा रहा है मेरा। अच्छा, कल भी तो 5,000 रुपए ले गया था। पापा वो दोस्तों के साथ पार्टी में गया था मैं, तो वहाँ पे खर्च हो गए। चल 10,000 तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बताओ। तुझे 1,000 रुपए की सेल करके दिखानी होगी यहाँ पर। अरे पापा 1,000 ही तो है, अभी कर दूंगा सेल। कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर। अभी आया। ठीक है, आ जाओ अंदर। ठीक है, 1,000 रुपये कमा के दिखाने आपने। पापा 1,000 ही तो है, अभी कमा के दिखा दूंगा। चलो कर लो, इतने कामों में सेट कर लो। ठीक। भैया। हाँ जी भैया। एक फेस वॉश दिखा दो। अच्छा सर, मैं दिखाता हूँ। बढ़िया सा दिखाना भैया, जिससे फेस पे ग्लो आए। अच्छा सर। ये भैया बहुत बढ़िया फेस वॉश है। ये नहीं भैया, कोई अच्छा सा दिखाओ ना, जिससे बढ़िया ग्लो आए फेस पे। कोई नहीं, मैं आपको और दिखाता हूँ, बहुत सारे हमारे पास। ये देखो, इससे ग्लो आएगा आपके फेस पे ना। नहीं भैया ये नहीं, चीप मत दिखाओ यार, कोई अच्छा सा दिखाओ यार। एवर यूथ का ले लेते। ये भैया बहुत बढ़िया है। इससे भी चीप दिखा दिया आपने तो यार, कोई अच्छा सा आया तो बताओ यार। भैया अच्छा ही तो है, अच्छा ही तो दिखा रहा हूँ सारा, ये अच्छे ही रख रखे है मैंने शॉप। नहीं है बढ़िया, इससे अच्छा है कोई आपके पास? रुको एक, लो फिर ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। ये लेडीज यूज करती है भैया, ये हमारे लिए है क्या? अरे भैया ये आजकल दोनों यूज करते हैं, 2-in-1 आ रहा है। नहीं है ये बढ़िया, आपके पास है कोई अच्छा? नहीं भैया मेरे पास तो यही है, आपको लेना तो लो, नहीं तो रहने दो। मतलब बढ़िया सामान रखते नहीं हो दुकान पे? ये भैया सारा बढ़िया ही है सामान है, और कैसे रखे है सामान? बोलने की क्या तमीज है भैया आपकी, ऐसे बोलते हैं कस्टमर के साथ, ऐसे चलाओगे दुकान आप? ये तमीज है, एक तो सामान अच्छा नहीं दिखा रहा, ऊपर से बात भी करने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलते हैं? भैया मैं सामान सही दिखा रहा हूँ आपको, आप ही कह रहे हो ये नहीं पसंद ये नहीं पसंद, जब मैं दिखाने लग रहा सारा सामान आप। हाँ तो जैसा मेरे को चाहिए वैसा दिखाना, मेरे टेस्ट का सामान दिखा, ये क्या दिखा रहा है? यही है भैया मेरे पास तो। पता नहीं मालिक भी कैसे कैसे लड़के रख लेते हैं, जिनको ना बोलने की तमीज है ना कोई नॉलेज है सामान की। यही है कैसे कैसे बंदे रख लेते हैं। ठीक है भैया, जाओ। पता नहीं कैसे बंदे हैं। आ जाते हैं। हेलो मैम। हाँ जी भैया। मेरी वाइफ के लिए वो दिखा दो 8 में कड़े। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। जी भैया। क्या दिखाना है भैया? भैया मेरे वाइफ के लिए 2-8 में कड़े दिखा दो। दिखाता हूँ भैया, ये लो भैया। भैया कड़े दिखाना, ये क्या दिखा रहे हो आप मुझे? मैंने कड़े मांगे, चूड़ी दिखा रहे हो आप मुझे, कड़े दो जल्दी निकालो। निकाल रहा भैया, ये लो। भैया आपको काम भी आता नहीं आता? मांग मैं क्या रहा हूँ, आप दिखा कुछ रहे हो, कड़े मांग रहा हूँ चूड़ी दिखा रहे हो। कोई नहीं, एक मिनट रुको। और 2-8 का साइज नहीं है हमारे पास। ये क्या है? ये कड़े है, ये चूड़ी है। दुकान खोल के बैठे हो, पता कुछ है नहीं? भैया हमारे पास नहीं है कड़े। तो आपको पता ही नहीं है, दुकान आपने खोल ली है, कुछ आता ही नहीं आता है? नहीं आता भैया, आप नहीं हमारे पास। ये क्या बात हो, नहीं आता है? कितने की सेल कर ली अब तक? पापा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक तो। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए पापा। 5 घंटे हो गए, 1 रुपये भी नहीं कमाया आपने। अगर मैं आपको 5,000 रुपये देता हूँ तो आप कितनी देर में खर्च कर दोगे? पापा 1 घंटा लगता है मेरे को तो। अच्छा 1 घंटे में खर्च कर देते हो, तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा पैसा कमाना कितना मुश्किल है। हाँ पापा बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है ना। पता क्या है, ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं माँ बाप से पैसे लो, इन्होंने तो मिनटों में कमा लिया होगा, इनके पास तो पैसों का ढेर लगा होगा, लेकिन कितनी मुश्किल से कमाया है बच्चे ये नहीं सोचते।
सारा दिन बैठते हैं हम, ग्राहकों के साथ उलझते हैं, फिर कहीं जाके हमारे यहाँ 2-4 हज़ार रुपये लगते हैं, उसमें से भी कुछ पैसे बचत होती है हमारी, जिनको आप है ना एकदम आते हो और ले जाते हो और खर्च कर देते हो। कभी नहीं सोचते माँ बाप कितने मुश्किल से कमा रहे हैं, कितने मुश्किल से नहीं कमा रहे हैं, मानते हो इस बात को? हाँ पापा। कभी तुम्हारा मनाली जाना, कभी तुम्हारा शिमला जाना, कभी गोवा जाना, क्यों नहीं समझ में आता तुम लोगों के कि भी जो है ऐसा पापा ने बहुत मुश्किल से कमाया होगा, मानते हो इस बात को? हाँ पापा, मेरे को पता चल गया आप बहुत मेहनत करते हो और मैं एक सेकंड में पैसे उठा देता हूँ सारे। ये तुम्हारी बात नहीं, ज़्यादातर बच्चों की सोच है ये, पापा के पास बहुत पैसा है, ढेर मार रखा उन्होंने, कहाँ से ढेर मारेंगे पापा, कहाँ से लाएंगे, पेड़ थोड़ी लगा हुआ है पैसों का। बच्चे आते हैं और ले जाते हैं कभी माँ से कभी बाप से और खर्च कर देते हैं मिनटों में, वो भी बिना फालतू की चीज़ों पर। चलो, कितने पैसे चाहिए थे आपको? पापा वो नहीं चाहिए मेरे को। ले लो। नहीं पापा, पापा आपसे मैं ना पूरी मेहनत करूँगा, रोज़ दुकान पाया करूँगा। बेटा जब तुम कमाने लग जाओगे ना खुद और अपनी कमाई को खर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि खर्च नहीं, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। आपने कमाया कितना है, खर्च कितना कर रहे हो, सारा हिसाब लगा के चलोगे आप। अभी तो पापा कमा रहे हैं ना, इसलिए आप हिसाब नहीं लगाते। पापा फालतू के खर्चे बंद करके अब मैं कल से अपनी दुकान पाया करूँगा और पूरी मेहनत करा करूँगा। पक्का? पक्का पापा। चलो ठीक है, तुम ठीक मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे, मुझे दिखाओगे कुछ करके, तो अपने पैसों में जितना चाहे खर्च कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तुम्हें भी पता चलेगा कि किस तरीके से खर्च करना है। हाँ जी पापा। ठीक है, चलो।